ये मैसेज आपको यहाँ पर दिखा के मैं कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहती, ना ही अपने आप को किसी तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो ये जो मैसेज है ना, आपने रीड कर लिया होगा, 1 अप्रैल 2023 को रिसीव हुआ जब आपका IBPS PO और क्लर्क का रिजल्ट आया। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास सिलेक्शन के आए जिसमें से ये एक मैसेज था। और इनिशियली हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम लोग ये आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसा कुछ भी है, लेकिन इस मैसेज ने ना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, सोचने पर ये मजबूर कर दिया कि हम लोग आप लोगों की किस तरीके से और मदद कर सकते हैं। अगर ये बच्चा सिलेक्शन ले सकता है कुछ हेल्प से, तो क्या हम लोग आपके लिए और कुछ अच्छा नहीं कर सकते? क्या हम लोग उतना कर रहे हैं अभी? तो वो एक इंट्रोस्पेक्शन थी हमारे अंदर, तो वहीं से ही कुछ काम शुरू हुआ। अब देखो यहां पे ना एक चीज होती है कि भगवान ना आपको बहुत कुछ देता है, हम सब लोगों को, मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको वेल्दी बनाता है, सबको इतना देता है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। एंड टच वुड, भगवान ने अभी तक मुझे जितना दिया है, तो मुझे ये लगता है कि उस रिसीव की हुई अमाउंट को या जो भी उन्होंने मुझे दिया है, मुझे उससे ना कुछ अच्छा करना है, मुझे उसको आप लोगों तक पहुंचाना है। और मैं किस तरीके से पहुंचा सकती हूं ये मुझे जानना था। अब आप लोगों के ना काफी सारे मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे थे कि मैम आप लोग कुछ इंटरव्यू सिलेक्टेड लोगों के शेयर नहीं करते हो, या आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स नहीं डाले। तो ये चीज सोची तो हमने भी कि हम लोग क्यों स्क्रीनशॉट्स नहीं डाल रहे, हम लोग क्यों किसी का इंटरव्यू नहीं ले रहे जो सिलेक्टेड हो रहे हैं, क्यों किसी के टेस्टिमोनियल्स किसी के फीडबैक्स हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ना एक चीज जो हमारे दिमाग में थी वो ये थी, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए वो अब नौकरी पर जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, कुछ पॉइंट से रह गए हैं, कुछ 1 नंबर 2 नंबर कुछ 10 नंबर से रह गए। तो उन बच्चों को अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो लोग अपना सिलेक्शन ले लें। तो यहां पे वो टेस्टिमोनियल्स शेयर करने की बजाय हम लोगों ने कुछ काम करना शुरू किया। वो काम करना ये शुरू किया कि आप लोगों की किस तरीके से हम लोग मदद कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं अपने प्रीवियस डेज की बात करूं, तो हम लोग अभी SBI PO के मॉक इंटरव्यूज भी लेने गए हुए थे दिल्ली में। एंड वहां पे जो मॉक इंटरव्यूज हमने लिए, तो वहां पे जो सिलेक्ट अभी नहीं हुए उनके लिए गए, तो उनकी भी हेल्प हुई। उसमें भी कुछ बिजी थे और कुछ आपके लिए करने में भी बिजी थे, जो आपको अभी इस सेशन में पता लगेगा। तो डिले नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले चीज क्या है। ओके, आप में से काफी लोगों को पता होगा इसके बारे में, स्टडी नीति के बारे में। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, हमारी वेबसाइट है, हमारी ऐप है। जिसको नहीं पता है तो बता दिया मैंने कि हमारा बेबी है, दिस इज आवर वेबसाइट। अब देखो, जब भी हम लोग अपनी प्रिपरेशन जर्नी शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत में अगर आप एक अभी बिगिनर हो, आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है, यार मुझे ना कहीं से पढ़ना है, मुझे ना कोई टीचर मिल जाए जिससे मैं कनेक्ट कर जाऊं, मुझे कोई टीचर मिल जाए जिससे मुझे बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाए और प्रैक्टिस करके ना मैं बस सिलेक्ट हो जाऊं। सबके मन में यही आता है ना, सही सही समझा ना मैंने आपको? मेरे मन में भी आता था यार, जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैंने शुरुआत की थी। और काफी भीड़ हमारे पास ऐसी है जो पेड कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर पाती है, या अगर कोर्सेज पेड कोर्सेज भी ले लेती है तो उनको बाकी चीजों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अभी, तो उन लोगों की थोड़ी सी मदद, बाकी सबकी मदद भी यहाँ पे हो रही है, लेकिन उन लोगों की भी मदद थोड़ी सी हो रही है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वेबसाइट खोलोगे ना तो यहाँ पे एक वीडियो कोर्स आपको दिखेगा। ये स्टडी नीति बैंकिंग क्रैकर वीडियो कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का सेक्शन, और रीजनिंग एबिलिटी, इसकी लगभग 95 वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब ये जो 95 वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसके अंदर मैंने आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, यानी कि एकदम बेसिक जो नींव होती है ना, वहां से लेकर पूरी बिल्डिंग एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ कराया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे क्लियर किए हैं। यहाँ पे ये दोनों सेक्शंस जो है मैंने ही पढ़ाए हैं, इंग्लिश के भी आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। A to Z, जिसको बोलते हैं ना फ्रॉम जीरो टिल इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर किया है जो आपको एक पेड कोर्स में मिलता है। तो मैं दावे से ये कह सकती हूँ कि ये वाला जो कोर्स है ना, किसी भी पेड कोर्स की टक्कर का है।
अब थोड़ा सा ना, अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि मैम फाइनेंशियल हेल्प तो आप कर रहे हो, लेकिन इसका प्राइस तो बता दो कि आपने कितने प्राइस में लॉन्च किया। मैम सस्ता ही लॉन्च किया होगा आपने, है ना, रीजनेबल सा, ताकि हम लोग अफोर्ड कर लें। तो यार इसका प्राइस है 499। सही सुना आपने, 499। सही नहीं सुना, इसका क्या प्राइस है? 0। हम आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं चार्ज कर रहे हैं। ये जो वीडियो कोर्स है ना, आपको सभी को, जितने भी एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं अभी और जितने भी एस्पिरेंट्स बाद में देखेंगे मुझे, ये आप सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कोई भी पेड कोर्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उन लोगों के लिए है। डिटेल्स मैंने आपको सारी दे दी, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज और दिखाती हूँ आपको मैं। ये चैनल जिस पे आप अभी वीडियो देखने आए हो, इस चैनल पे ना एक प्लेलिस्ट है, फ्री कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स। इसके अंदर ना मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप करवाए थे, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक सारे कॉन्सेप्ट्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप क्लासेस देखोगे तो यू विल सी कि अच्छे खासे व्यूज यहाँ पे मुझे मिले हैं, ठीक है। अब अच्छे खासे व्यूज, इन सेशंस का जो फीडबैक मुझे मिला ना, वो मुझे बहुत अच्छा मिला। और इन सेशन से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मैंने हेल्प की, जो हम काफी टीचर्स कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे भी उनकी हेल्प हुई। अब ये वाला जो मैंने आपको कोर्स यहां पे दिखाया है ना, ये उससे एक प्लस ही है। उसकी रिफाइनमेंट भी करके आपको ये दिया गया है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने इसके अंदर करवाए हैं विद कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप ये देख लेते हो तो कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब प्रिपरेशन में जब आप कोर्स देख लेते हो तो सेकंड थॉट आपके माइंड में क्या आता है? सेकंड थॉट आता है कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँगा यार, है ना। सोर्सेज ढूंढने लगते हो, पीडीएफ्स ढूंढने लगते हो, गूगल पे लिखने लगते हो, दोस्तों से पूछने लगते हो और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और देखोगे, एक आपको टैब मिलेगा नोटबुक सीरीज का। ये जो नोटबुक सीरीज है ना, ये हम लोगों ने लॉन्च की थी और ये एक पेड प्रोडक्ट था जब हमने इसको लॉन्च किया था। और अभी इस साल जितने भी सिलेक्शन हुए हैं ना, नोटबुक सीरीज के लिए हमें बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स की हम लोगों ने इससे हेल्प करी है, जितने भी लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया था। अगर थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, यहां पे ना आपको डेली प्रैक्टिस क्विजेज अवेलेबल है, डे वाइज अवेलेबल है और डे 306 तक आप देख सकते हो डे वाइज। थोड़ा सा ना डिटेलिंग में दे दूं इसको आपको। जैसे डे वन में आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस हैं वो लिखे गए हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आगे मेंशन है। मतलब आपने अगर कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस करना है तो उस टॉपिक को आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टॉपिक इसके अंदर अवेलेबल है। और ये एक चीज है कि ये ना क्विज फॉर्मेट में है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस नोटबुक सीरीज में अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं तो 20,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। सही सुना आप लोगों ने, 20,000 प्लस क्वेश्चंस। और ये 20,000 प्लस क्वेश्चंस अगर आप आज प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो ये आपका पूरा का पूरा बैंकिंग सीजन जो है ना, वो आराम से निकल जाएगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आजकल आप करते हो ना, टेलीग्राम ग्रुप्स में जाके पीडीएफ्स डाउनलोड करते हो, गूगल पे जाके किसी और वेबसाइट से जाके पीडीएफ्स डाउनलोड करते हो, डाउनलोड कर करके फोन की मेमोरी फुल हो जाती है, डाउनलोड कर करके हम पीडीएफ कलेक्टर भी बन जाते हैं और उन पीडीएफ्स को हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें मिस्टेक्स निकल जाती हैं। अब उनमें मिस्टेक्स नहीं भी निकलती तो उनका लेवल अच्छा नहीं होता। बहुत सारे उसके नुकसान है ना, जो आप पीडीएफ्स कलेक्ट करते हो। तो इस चीज का ना हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला। इस चीज का हम लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला? अच्छा हाँ, एक चीज और, अब आप लोग उसको प्रैक्टिस भी करने लगते हो ना, तो टीचर भी अपलोड करना भूल जाते हैं। हफ्ते बाद, 10 दिन बाद उनको याद आते हैं, यार टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ ही नहीं अपलोड हुई। क्यों नहीं अपलोड हुई? कंटेंट ही नहीं बना था। क्यों नहीं बना था भाई? कंटेंट वाला भाग गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अब उस चीज को हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये क्विज फॉर्मेट में, यानी कि आपको डेली की क्विजेस मिलेंगी। टेक टेस्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का जैसा आपका एग्जाम होता है ना, सेम इंटरफेस है।
एकदम सेम इंटरफेस, ठीक है? ये ओल्ड इंटरफेस न्यू इंटरफेस, इसमें दोनों लैंग्वेजेस हैं। सबमिट करोगे तो ऐसा कुछ आपके पास एक स्क्रीन खुलेगी, और एग्जाम में हूबहू ऐसी स्क्रीन ही होती है आपके पास, जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको पता है। तो यहां पे देखो आपके पास सेक्शन वाइज टाइमिंग भी चल रही है और सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है ना जो काफी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पहली चीज, वो लोग एकदम डिसिप्लिन्ड वे में काम कर सकते हैं क्योंकि डेली की उनको क्विज लगानी है और हर एक सेक्शन की अवेलेबल है, इंग्लिश की, रीजनिंग की, क्वांट्स की। यहाँ पे आप लोगों ने देखा हर एक सेक्शन की अवेलेबल है और हर एक सेक्शन की टॉपिक वाइज अवेलेबल है। जो भी आप टॉपिक प्रैक्टिस करना चाहते हो वो आपको यहाँ डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है? तो आप डेली के क्विजेस यहाँ पे लगाओगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और एक चीज ना, यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट इसका क्या है कि आपको ना डेली वेट नहीं करना कि आपको कब पीडीएफ मिलेगी, कब आप प्रैक्टिस करोगे। पीडीएफ सुबह आ रही है सर, पीडीएफ शाम को आ रही है, मैम कब आ रही है पीडीएफ, बता तो दो ना हमें, फोन कर करके पूछो, मैसेज कर करके पूछो। वो चीज आपको नहीं करनी है। मेरा मकसद यहाँ पे वेबसाइट पे करने का क्यों था, देखो वो जो वीडियो कोर्स था वो भी वेबसाइट ऐप पे है। पहली चीज, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। YouTube पे आप जाते हो, देखो YouTube पे मैं भी एक सीरीज शुरू कर दूं, मुझे भी व्यूज मिलेंगे यार, मुझे तो फायदा ही होगा, मुझे नुकसान तो नहीं होगा ना। लेकिन YouTube पे आप जाओगे, आपको 36 तरीके की एड मिलेगी, 36 तरीके के रिकमेंडेशन मिलेंगे, वहां से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। वेबसाइट या ऐप पे आप आओगे, डिसिप्लिन तरीके से करोगे और साथ के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ये जो क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे अपलोडेड हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए वेट नहीं करना, ठीक है? और बीच में से आपको कुछ कुछ ना ब्लैंक डेज मिलेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज थी वो लाइव चलती थी तो ब्लैंक डेज आपको रिवीजन के लिए मिलते थे, बट आप उनको स्किप करना और आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि डे वन से शुरू हो जाओ, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे ही इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? अब हम बात करेंगे तीसरी चीज की। तीसरी चीज तो तीसरी चीज है स्टडी नीति हेल्पिंग हैंड। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो बैक देन हम लोग शुरू कर चुके थे, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता था कि हम ऐसा काम भी कर रहे हैं। तो अभी तक ना 2-3 सालों में, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने ना काफ़ी एस्पिरेंट्स की ऐसे मदद करी है जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, जो फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं थे कि वो एग्जाम की फॉर्म की फीस भर पाए या मॉक टेस्ट खरीद पाए किसी भी तरीके से। तो हम लोगों ने उनकी हेल्प की है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, कभी जाहिर नहीं किया, अभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे ना ये सेशन एक अवेयरनेस की तरह लेना कि मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ किसी चीज के लिए। तो वो चीज जो हम कर रहे थे ना, वो हमें अभी क्लिक हुई यार कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसको बड़े स्केल पे करना चाहिए ना। अब स्टडी नीति हेल्पिंग हैंड क्या है? अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और जिनको किसी भी तरीके से, जिनका सिलेक्शन रुक रहा है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, फॉर्म की फीस नहीं है, किसी भी तरीके की आपको डिस्ट्रैक्शन मिल रही है, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एनी सॉर्ट ऑफ नीड, हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जो भगवान ने मुझे दिया ना मैं आपको देना चाहती हूँ। सब कुछ वो कॉन्ट्रीब्यूशन ना मैं आपके तरफ करना चाहती हूँ। तो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं, आपको लिंक मिलेगा एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का, उसको आपको फिल करना है और बहुत ऑनेस्टली फिल करना है। आप मुझसे प्रॉमिस अभी करोगे, आप बिल्कुल अपने मन से फिल करोगे, जो आपकी अभी प्रेजेंट स्टेज है उसी को आप लिखोगे, आप अपने सारे इमोशंस बयां करोगे। आपको पूरा लिखना है कि व्हाई डू यू नीड दिस, आपकी क्या सिचुएशन है। और जितने भी हमारे पास एंट्रीज आएंगी ना, उनको हम खुद चेक करेंगे, हमारी टीम चेक करेगी, और जितने भी हमें जेन्युइन लोग उसमें दिखेंगे ना, जेन्युइन लोगों को मैं खुद कॉल करूंगी अगर मेरे से पॉसिबल हुआ, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, और आपको जानने के बाद डेफिनेटली हम आप लोगों की मदद करेंगे। ये चीज, ये प्रोसेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें जेन्युइन लोग मिल सके। यार अगर आप जेन्युइन हो, कोई और पर्सन जेन्युइन नहीं है, वो फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि हमें आपको प्रोवाइड करना है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, तो ये चीज रहेगी। और हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं, आपको हेल्प करने के लिए खड़े हैं। तो आप लिंक क्लिक करना, तो लिंक आप क्लिक कर ही लोगे। लेकिन ये चीज क्यों की गई, क्योंकि आप में से काफी ऐसे लोग होंगे जो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यार सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ सकता, क्योंकि हर किसी का कनेक्शन एक अलग होता है। तो अगर आपको किसी और से भी पढ़ना है ना, तो भी आप अपनी उसमें जाहिर करोगे कि मुझे यार प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, मुझे किसी का कोर्स खरीदना है, मुझे कोई मॉक टेस्ट खरीदना है,
या फिर मुझे फॉर्म फिल करना है, तो जो भी आपकी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज है ना, जो भी आपको एग्जाम रिलेटेड हेल्प चाहिए ना, वो हम आपकी करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसका पैसों की वजह से सिलेक्शन रुके। तो आई होप थोड़ा सा मैंने क्लियर किया, तो फॉर्म अपना जरूर से भर देना। और ऐसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन तक अभी ये वीडियो नहीं जा रही है, आप जो देख रहे हो ना, आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आपको हेल्प नहीं चाहिए, कोई आपका पर्सन नोन में है जिसको हेल्प चाहिए, तो उस तक ये वीडियो आप शेयर करोगे। मेरे को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, मुझे मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी है, तो आप उसमें मेरी मदद करोगे। जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूं मैं कर रही हूं, लेकिन मुझे आपका भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। आपको ये वीडियो शेयर करनी ही पड़ेगी अगर आपको भी एक पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में। तो ठीक है, अब मैम प्रैक्टिस भी हो गई और आपने हेल्पिंग हैंड का भी बता दिया, मैम प्रैक्टिस के बाद अब मॉक टेस्ट भी दे दो यार। मॉक टेस्ट तो है ही आपकी वेबसाइट पे, ये लो दे दिए। फ्री टेस्ट पे जाओगे आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस के 12 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको फ्री मिलेंगे। प्रीलिम्स के, मेंस के आपको एग्जाम वाइज दिख रहे हैं 12 मॉक टेस्ट, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर से करोगे, और ऐसा एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए, ऐसा एक भी एस्पिरेंट नहीं रहना चाहिए जो इसको नहीं करेगा, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है। अब आपने बोला दो तो हमने दे दिया, अब करना तो आपको पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन आ जाएगा आगे से, मैम जो बाकी के मॉक टेस्ट है ना वो भी दे दो यार, सारा कुछ तो फ्री दे रहे हो। तो बाकी के मॉक टेस्ट जो हमारे थे ना, ये वाले दे दूं आपको, ये वाला दे दूं, कुछ तो छोड़ दो यार, जितना कर सकते थे आपके लिए उतना किया। अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं ना, आप प्लीज परचेज करना। आपका जो कंट्रीब्यूशन आएगा ना, समझ लो वही उसी कंट्रीब्यूशन से हम लोग बाकी एस्पिरेंट्स की हेल्प करेंगे। जो यहाँ पे आएगा ना कंट्रीब्यूशन, उसको मैं नहीं रखूंगी, जो भी स्टडी नीति हेल्पिंग हैंड है या जो भी हमारी कॉस्टिंग लग रही है किसी भी चीज में, एक्स वाई जी चीजों में आपकी हेल्प करने में, हम लोग उसी में ही उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए तो बख्श दो यार, जितने भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं इसको देख सकते हो, हमारी वेबसाइट पे भी है, एप्लीकेशन पे भी है। बाकी जितना भी मेरी तरफ से हो सकता था उतना मैंने आपके लिए किया, एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी ऐसी एक भी चीज बची है जो रह गई हो आपके सिलेक्शन तक आपको लेके जाने के लिए। तो इस सेशन का टाइटल क्या था, अब होगा रेवोल्यूशन, नए तरीके का रेवोल्यूशन। तो आई होप अब आपको रेवोल्यूशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। रेवोल्यूशन तो आप बहुत अलग अलग तरीकों से भी लेते हो यार, लेकिन एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो तो एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर, और किसी भी बच्चे का पैसे की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आई होप मैंने टाइटल को जस्टिफाई किया, आई होप मैंने खुद को जस्टिफाई किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आप मेरी मदद कर रहे हो और आपने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि मैं आप सबकी मदद कर सकती हूँ। और आपको भी थैंक यू कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, आप लोग भी मुझे हेल्प कर रहे हो। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, और एक छोटा सा काम अब आपसे चाहूंगी मैं, छोटा सा काम कर दोगे प्लीज कमेंट्स में आप अपने, प्लीज मुझे फीडबैक्स देंगे कि ये आपको इनिशिएटिव मेरा कैसा लगा। और यार हमेशा की तरह मैं आपको ये नहीं कहूँगी ये कोर्स आने वाला है, हम अवेलेबल करवाने वाले हैं और फिर हम लोग रुक जाएंगे, हमने नहीं करवाया, सब कुछ दे दिया हमने अपनी तरफ से, सब कुछ आपको थाली में परोस के दे दिया। अब सिलेक्शन करवाना, मेहनत करना, एकदम डटे रहना आपकी जिम्मेदारी है। कहते ना यार मैम एक चीज रहेगी, मैम मोटिवेशन तो दी नहीं आपने, सारा कुछ तो दे दिया, बच्चे की लाइफ में मोटिवेशन नहीं होगी तो मैम कैसे चलेगा, एग्जाम कैसे पास होगा। तो यार मोटिवेशन जो होती है ना अंदर से आती है, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करोगे ना अपने आप को कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, तो बस मोटिवेशन आ जाएगी, फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि स्मृति मैम आएगी और मोटिवेशन देगी मुझे यहाँ पे, नहीं अपने आप से मोटिवेशन आएगी। अब लग जाओ, डट जाओ अच्छे से, मेहनत पूरी करनी है हमें, और इस साल जितने पेपर आएंगे ना एक में नहीं सभी में सिलेक्शन लेना है। तो इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, आप मुझसे प्रॉमिस करोगे आप शेयर करोगे, आप कमेंट करोगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करोगे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस इनिशिएटिव के नाते कर लेना यार प्लीज, थोड़ा सा आई रिक्वेस्ट यू ऑल। तो आज के लिए इतना ही था, एंड फिर किसी और अच्छे से नए सेशन में मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, एंड बाय बाय, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।